देखा भाई पीछे हट रे वारे हबीबी हटा ये 30 सेकंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकतर लोग एक ही समुदाय के दिख रहे हैं। सभी लोग बारी बारी से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो प्रतापगढ़ जनपद का बताया जा रहा है, जिसने पुलिस अफसरों को भी परेशान कर दिया। हट रे देखा भाई पीछे इस वीडियो में दिख रहा है कि सऊदी के एक शेख की भेषभूषा वाला एक बुजुर्ग कुछ लोगों को राइफल से फायरिंग करने की ट्रेनिंग दे रहा है। फायरिंग करने वालों में नाबालिग शामिल दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक के बाद एक खुलेआम फायरिंग की जा रही है। हट रे देखा भाई पीछे क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बताया गया कि प्रतापगढ़ जनपद में कंथई के एक गांव में शादी समारोह में ये शेख शामिल हुआ था। उसने युवकों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी। ये वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में शेख की तरह दिखने वाला ये व्यक्ति राइफल में कारतूस लोड कर युवकों को फायरिंग करने की ट्रेनिंग दे रहा है। हट रे वारे हबीबी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में आनन फानन में पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां पर ये वीडियो बनाया गया था। इसके बाद 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। बताया गया कि एक शख्स है जो राइफल चलाना सिखा रहा है। यहां पहले लोगों को राइफल में गोली भरने की ट्रेनिंग दी गई, फिर उसने बारी बारी से फायरिंग भी करवाई। आज 21/6/2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जो इब्राहिमपुर गोपालपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है, जिसमें इंतजार हुसैन पुत्र गुलजार हुसैन की 315 बोल्ट राइफल से कुछ राउंड फायर किए जाने के दर्शाए गए हैं। तत्काल वीडियो को संज्ञान में लेकर थाना अध्यक्ष द्वारा मौके पर पहुंच करके इंतजार हुसैन तथा गुलजार हुसैन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और राइफल 315 बोर भी बरामद की गई है। विधिक कार्यवाही की जा रही है और राइफल निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस के एक्शन के बाद राइफल के लाइसेंस को भी निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।